नमस्कार, स्वागत है आपका सीटीडी न्यूज़ में। अलकायदा के आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने 10 साल पहले पाकिस्तान में मार गिराया, लेकिन बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी को ढेर करने में एक पाकिस्तानी नागरिक ने बड़ी भूमिका निभाई। इस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर शकील अफरीदी, जिन्हें पाकिस्तानी गद्दार माना जाता है और अमेरिका में एक हीरो की तरह उनकी प्रशंसा की जाती है। अमेरिकी नेवी सील द्वारा अलकायदा के मुखिया को ढेर किए गए एक दशक से ज़्यादा हो चला, लेकिन अभी तक इस बात के कोई संकेत नहीं है कि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा डॉक्टर अफरीदी को बरी किया गया है। उन्होंने वैक्सीनेशन प्रोग्राम की आड़ में CIA को ओसामा बिन लादेन की पिन पॉइंट लोकेशन की जानकारी दी थी। डॉक्टर अफरीदी को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित साहिवाल जेल में बंद करके रखा गया है। यहाँ वो अब अपने दिन गिनने में लगे हुए हैं। ओसामा के मारे जाने के दौरान वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी ने बताया कि उन्हें अब जेल में इसलिए रखा जा रहा है ताकि हर पाकिस्तानी को पश्चिमी खुफिया एजेंसी के साथ सहयोग ना करने का सबक सिखाया जा सके। पाकिस्तान में ओसामा की मौजूदगी पर सवाल खड़ा हो, इससे पहले ही अधिकारियों ने डॉक्टर अफरीदी को बलि का बकरा बना दिया। समाचार एजेंसी AFI ने डॉक्टर अफरीदी के भाई और उनके वकील के जरिए जेल में उनकी दिनचर्या की जानकारी निकाली। जेल में डॉक्टर अफरीदी को किसी से भी बात नहीं करने दिया जाता, वो सिर्फ अपने लीगल टीम और परिवार के लोगों से बात कर पाते हैं। परिवार के मुताबिक कैद में वो हर रोज़ एक्सरसाइज करते हैं। उनके पास कुरान शरीफ है जिसे वो हर रोज़ पढ़ते हैं। इसके अलावा किसी भी अन्य किताब को उन्हें नहीं दिया जाता। गार्ड्स की मौजूदगी में उनकी दाढ़ी और बाल काटे जाते हैं। साथ ही कैदियों से मुलाकात करने पर पाबंदी लगाई गई है। परिवार के लोगों को सिर्फ महीने में 2 बार मुलाकात करने की इजाज़त है। पाकिस्तान के बीहर जनजातीय क्षेत्रों से आने वाले डॉक्टर अफरीदी CIA को एक बेहतर व्यक्ति लगे, जो एटावाबाद में बिन लादेन के ठिकाने पर जासूसी कर सकते थे। CIA को ओसामा के वहाँ मौजूद होने के सबूत चाहिए थे। इस तरह CIA ने डॉक्टर अफरीदी के जरिए वैक्सीन अभियान की शुरुआत करवाई ताकि ओसामा के ठिकाने से उसके DNA सैंपल्स लिए जा सके। वहीं पाकिस्तानी अधिकारियों ने ओसामा के मारे जाने के कुछ हफ्ते बाद ही डॉक्टर अफरीदी को गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर अफरीदी के ऊपर ओसामा से जुड़े मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई। दरअसल एक आदिवासी अदालत ने एक औपनिवेशिक युग के कानून के तहत डॉक्टर अफरीदी पर आरोप लगाया कि उन्होंने एक विद्रोही ग्रुप को पैसे मुहैया कराया है। इसके बाद उन्हें दोषी ठहराते हुए 33 साल की सजा सुनाई गई। अमेरिकी प्रशासन ने उनकी हिरासत को लेकर विरोध जताया। अमेरिका ने कैदियों के बदले उन्हें अपने यहाँ लाने का प्रयास किया, लेकिन ये सौदा कभी हो ही नहीं पाया। देश दुनिया से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें CTD News। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।